दुख रही थी, एक आत्मा दुख रही थी, जिस आदमी ने एक मेरी आदमी को ऐसा कर दिया, इस आदमी से आप अगर हम ये थोड़ी बोला है, हम तो रास्ता दे दो, लोकसभा दे दो, टिकट दे दो, जैसा टिकट काट दो, उसको अध्यक्ष मत बनाओ, उसको उपाध्यक्ष मत बनाओ। हाँ तुमने हाया कर दिया, हमने ये नहीं कहा कि पार्टी में निकालो, भैया 6 तारीख को आप कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या यहाँ से लाहौल लश्कर लेके जाएंगे, क्या तैयारी आपकी? देखिए मेरे अपने साथियों के साथ, बहुत से वरिष्ठ लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद मेरी पिताजी की एक जो पार्टी में गरिमा थी, उनका वो जो पद प्रतिष्ठा थी, उसको धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। जो स्मारक उनका बनना था आज धूल खा रहा, लोग उसको जोशी जी का स्मारक कहने के बजाय जोशी जी का खंडर कहने लगे। कुछ जगह नामकरण होना था, लगातार जिम्मेदारों से, संगठन के पदाधिकारियों से बात करने के बाद हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। शिवराज जी अक्सर कहते कमलनाथ जी को जाओ जाओ जाओ, मैं शिवराज जी को कहता हूँ शिवराज जी आप भी तो कहते हो कर देंगे कर देंगे कर देंगे, एक बार उन्होंने बोल भी दिया था। इसके बाद जब परिणाम नहीं आया तो मेरा मन कहने का विचलित हुआ, और कुछ साथियों से चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि कम से कम हमको ये पार्टी छोड़ देना था। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे एहसास कराया कि जब माननीय पिताजी की मृत्यु हुई थी तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन सिंह जी वर्मा, आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, ये सब उस वक्त मेरे घर पधारे थे, और माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि कहाँ अंत्येष्टि करना चाहते हैं तो वहाँ हम व्यवस्था करेंगे सरकार की तरफ से। तो हमने कहा हटपिया में ही होगी, तो उन्होंने कहा हटपिया में कहाँ होगी, तो हमने कहा हटपिया में उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो संस्थान में ही करेंगे। बोले नहीं, जोशी जी की संस्थान में नहीं होना चाहिए, वो हमारे प्रदेश की गरिमा है, गौरव है, उसको हमको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ एक स्मारक बन जाए, लोगों को यादगार रहे, इस नाते से आप मुझे स्थान बताइए, मैं आपको ज़मीन दूँगा। तो हमने 4-5 घंटे में ज़मीन सर्च करी, ज़मीन उनको बताई कि ये ज़मीन सरकारी है हाटपिपरिया में। उन्होंने तत्काल वही बहुत कीमती ज़मीन लगभग 80,000 स्क्वायर फीट की आवंटित की, और वहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी कि स्मारक भी मैं बनाऊँगा। सरकार परिवर्तित हुई, सरकार परिवर्तन के साथ शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके स्मारक का भूमि पूजन हुआ, मूर्ति का अनावरण हुआ। लेकिन उसके बाद माननीय शिवराज जी शायद इस चीज़ को भूल गए, बार बार याद दिलाने के बाद 2-4 ईंटें लगती थी, लेकिन नगर पालिका लग बनने के बाद वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग थे उनको कमीशन चाहिए। ठेकेदार ने कहा मैं कमीशन दे नहीं सकता, इसलिए मैं काम बंद करूँ। हमने लगातार कोशिश की कि बिना कमीशन काम हो जाए। जिलाध्यक्ष भाजपा को कम से कम 10 बार मैंने अवगत कराया, कार्यालय जाके अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार का वो नहीं हुआ। तब मेरा मानस बना कि जिस व्यक्ति ने माननीय जोशी जी का सम्मान किया उस व्यक्ति के साथ मुझे मदद, उनका उस सम्मान का कुछ न कुछ मुझे देना चाहिए। इस नाते से मैं उनसे अनुरोध किया था कि मुझे आप अपने साथ जोड़े, ताकि मैं जो शेष समय है वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, जो संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा उसे मैं पूरा करूँगा। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं कोई सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरे सम्मान की पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा, लेकिन पिताजी के सम्मान की लड़ाई मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं माननीय कमलनाथ जी से भी चाहूँगा कि जो अधूरा स्मारक है उसको वो, क्योंकि सरकार मेरे ख्याल से 100% कमलनाथ जी की आ रही है, उनके नेतृत्व में हम उस स्मारक को पूरा करें, और पूरा करने के बाद जो पापा जी, जो पिताजी के अधूरे काम हैं मांगली और संपूर्ण देवास जिले में, उसको पूरा करें। भैया अगर कांग्रेस आपको मौका देती है तो कहाँ से आप लड़ना चाहेंगे, भोपाल? नहीं, मैंने कांग्रेस को, जो हमारे साथी लोग थे जिनके माध्यम से मैंने माननीय कमलनाथ जी से चर्चा की थी, उनको स्पष्ट अवगत करा दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ना राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहता, ना आपके संगठन का कोई पद चाहता हूँ। मैं अगर पार्टी चाहती है तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए शहर तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बता दिया। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, तो कितने कार्यकर्ता आपके साथ कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, देखिए असंख्य कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या नहीं है, इस नाते से मैं नहीं कह सकता। आज की तारीख में मैं स्वयं आप दीपक जोशी, जो कि माननीय कैलाश जोशी जी का पुत्र है, वो अपने कुछ साथियों के साथ, क्योंकि बागली हमारे आदिवासी भाइयों का है, कुछ आदिवासी भाइयों के साथ, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि
जोशी जी हमेशा सादगी पसंद रहे हैं और सादगी पसंद होने के नाते हमने तय किया कि हम कोई लाव लश्कर लेके नहीं जाएंगे। लाव लश्कर को हम दिखावा जब करेंगे तो स्थानों पे करेंगे, उदयनगर में हम करेंगे, पुंजापुरा में करेंगे, बरोठा में करेंगे, सिरोलिया में करेंगे, कलोद में करेंगे, खातीगांव में करेंगे, कन्नौज में करेंगे, देवास में करेंगे, सोनकच में करेंगे करेंगे, लेकिन हम उन कार्यकर्ताओं को ये बोझ नहीं डालना था कि क्योंकि 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा एक कार्यकर्ता पर होता है। जोशी जी हमेशा कोई भी कार्यकर्ता वहाँ आता था सबसे पहले पूछते थे क्यों आए, वो कहता था इसलिए आए, तो वो कहते थे कि फ़ोन क्यों नहीं लगाया, इसके लिए यहाँ नहीं, खर्चा क्यों किया तुमने, खर्चा क्यों किया, खर्चे को लेकर हमेशा चिंतित थे। इसलिए मेरे ख्याल से उनके सम्मान को जिंदा रखने के लिए उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कार्यकर्ताओं को अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहता। एक प्रतीक स्वरूप जिस बंगले को मैंने छोड़ दिया, उस बंगले से उनकी तस्वीर लेकर मैं पैदल ही अपने कुछ साथियों के साथ माननीय कमलनाथ जी के बंगले तक जाऊंगा या जो संगठन व्यवस्था देगा वहाँ तक जाकर उस प्रतीक फोटो को उनको समर्पित करूँगा और कहूँगा कि ये जो ईमानदारी है इसको सहेजने का काम अब आपके पास है, आपके जिम्मे है, आप इसको सहेजने का काम करें। भैया कई वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता रहे हैं उन्होंने भी आपका समर्थन किया, सत्यनारायण सत्तन ने भी अपना बयान जारी किया, सब चीज़ में क्या मानते हैं इसको? नहीं देखिए, पार्टी में जो माहौल है उसको देख के लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की रीति परंपरा सब बदल गई। मैं जानता हूँ कि नए को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नए के नाम पे तो अंधाधुंध काम करो। आज IPL आप देख रहे हो, धोनी उससे रिटायर हो गए, लेकिन IPL में खेल रहा कि नहीं खेल रहा? हमारे बहुत से लोग हैं जो खिलाड़ी, कभी जैसे बहुत से खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे हैं आज नहीं खेल रहे, लेकिन मैं खिलाड़ी के तौर पे कह सकता हूँ कि जिनमें दम होना चाहिए उनका कहने का ही परफॉर्मेंस तो देखना चाहिए ना। आप उनको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयारी में, भोपाल का जो BJP संगठन है मुझे किसी बैठक में नहीं बुलाता, किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आके भोपाल देवास से या देवास जिले से आके चले जाते मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता। प्रशासन द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम कोई आतंकवादी देश पाकिस्तान से आ गए हों, हम किसी पे कार्रवाई की कहते तो वो करते नहीं है। इवन मैं तो ये भी कह सकता हूँ दावे से, देवास की पुलिस और इनके थानों ने मुझे तक को फंसाने की कोशिश की है, इसका प्रमाण मैं सब प्रमाण दूंगा जब आएगा तब मैं कमलनाथ जी के माध्यम से विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से उठाने का प्रयत्न करूँगा, नहीं तो कोर्ट में जाऊँगा जिसके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूंगा कि मुझे फंसाने की पुलिस द्वारा साजिश की गई, ये मैं स्पष्ट आपको बता दूँ। ये आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है भविष्य में क्या कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने वाली है? मेरे को जो लगता है 100% जनता कहीं ना कहीं व्यथित है भ्रष्टाचार से, इतना भयंकर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के साथ चुन चुन के जो आतंकवादी परंपरा अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही संगठन द्वारा रचित की जा रही है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मुझे एक आतंकवादी जैसा देखा जा रहा है पूरे देवास जिले के परिदृश्य में। जिलाध्यक्ष फट से फोन लगाता है कि ये आतंकवादी आ रहा है, इसको रोको, इसके साथ नहीं जाना है। जब कोई दूसरा काम कार्यकर्ता कहता तो उसको शाबाशी दी जाती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और जब मेरा कोई कार्यकर्ता कहता तो उसको नोटिस दिया जाता है कि तेरे को किया जाएगा। इसका सीधा साधा उदाहरण हमारा चंदाना मंडल का अध्यक्ष पवन सिंह राज वो है चंदाना, जिसको कि बिना नोटिस दिए, बिना उसके कहे और ऊपर के हुक्मरानों ने बिना पूछे बिना संचय समझे उसको हटा दिया। अरे मुझे तो इन हुक्मरानों से आपके माध्यम से एक सवाल करना है कि जिसको आपने 6 साल के लिए निकाला आपने, कि आप डिफाल्टर हो, उस डिफाल्टर को आप 1.5 साल बाद गले लगाते हो, माला डालते हो, और उस कार्यकर्ता को जो जनसंघ के ज़माने से बिना जाति धर्म के आधार पर काम करता था उसको आपने दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया, क्या ये आपका सम्मान है? इसलिए कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाली और इस प्रकार की पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाएगी। हम सम्मान के साथ लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। थैंक यू।